जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर और इस हद तक सुपर पावर के सबसे ज़्यादा इस समय पर मिलिट्री से लेकर इकोनॉमी से लेकर एक समय तक दबदबा अमेरिका का ही रहा। अमेरिका का दबदबा इस तरीके से रहा कि पूरी दुनिया को अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए अलग अलग हथकंडे अमेरिका हमेशा से अपनाता रहा है। ठीक है, अब हथकंडे जब ये अपनाता है तो अलग अलग तरीके के हथकंडों के अंदर, जैसे आप कभी देखेंगे, कभी ये डेमोक्रेसी के नाम पर, कभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर, कभी सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाम पर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर, कभी सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाम पर, और कभी कभी सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाम पर। कभी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ट्रेड इक्वालिटी के नाम पर, कभी यूनाइटेड नेशंस के नाम पर, कभी WTO के नाम पर, कभी सैंक्शंस के नाम पर, कभी पीस के नाम पर। जहां भी आप देखेंगे, अलग अलग लेवल पर अमेरिका दुनिया के देशों को डराने धमकाने का काम करता रहता है, हड़काने का काम करता रहता है। जब चारों तरफ से ये काम चलते रहते हैं, डराने धमकाने हड़काने आंखें दिखाने या किसी भी तरीके का, तो उसमें अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अमेरिकन हेजमनी साफ नज़र आती है, यानी अमेरिकन हेजमनी यानी गुंडागर्दी साफ नज़र आती है कि भाई किसी भी तरीके से अमेरिका जो है दुनिया के देशों पर कैसे भी करके अपना कब्जा, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अब इस अमेरिकन हेजमनी में अमेरिका की एक खास बात ये ज़रूर है, अमेरिका की एक खास बात ये है कि अमेरिका किसी भी तरीके से एक हेजमनी बनाए रखना चाहता है, और उस हेजमनी के लिए रूल ऑफ लॉ की बात हमेशा करेगा कि भाई हम कानून के अनुसार चलते हैं और हमारा एक रूल है, उस रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सवाल ये है, ये रूल क्या है? तो उस रूल के 5 पॉइंट्स हैं जिसके नाम पर अमेरिका कहता है कि हम इन 5 पॉइंट्स के नाम पर दुनिया के अलग अलग देशों को टारगेट करते हैं, या अलग अलग देशों के अंदर इंटरफियर करके हम कैसे भी करके वहाँ अपना इंटरफियर, मतलब इस बिहाफ पर हम इंटरफियर करते हैं। उन 5 पॉइंट्स को पढ़ें, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अब एक अगली बात ये कि अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल के ऊपर हमने फ्री NCERT की क्लासेस लॉन्च की है। 25 मार्च से वो बैच लगातार चलेगा। उस चैनल पर जाइए, उस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और 25 मार्च से फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT के डिटेल्ड स्टडी हमारे साथ कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पर। टॉपिक 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे किसी भी देश के अंदर वो इंटरफियर कर सकता है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के नाम पर। अब ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कि कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो अमेरिका आके अपनी चौधराहट दिखाएगा, गुंडई दिखाएगा। दूसरा, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के नाम पर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के नाम पर, के भाई अगर किसी भी देश ने बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स बनाने हैं तो हम वहां जाकर इंटरफियर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सद्दाम हुसैन के ऊपर अगर अटैक किया तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के नाम पर अटैक किया, और हिपोक्रेसी देखिए कि वही अमेरिका जो सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर चुका है, वही अमेरिका अब सीधे तौर पर यूक्रेन के अंदर उस पर आरोप लग रहे हैं कि बायोलॉजिकल वेपन बनाए। और ऐसा ही एक वेपन जब चाइना ने बनाया तो अमेरिका की औकात नहीं थी कि जरा सी चू की आवाज़ भी निकाल ले। अब तीसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर, कि भाई मैंने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, और जिन देशों को हमने
देखा उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, लेकिन अब अगर कोई नया देश न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखेगा ईरान के साथ जो भी न्यूक्लियर डील हो रही है उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स का ही न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही मामला है। और तीसरा टेररिज्म के नाम पर कि दुनिया में जहां पर भी टेररिज्म होगा अमेरिका वहां पर जाकर इंटरफियर करेगा। अभी तक अमेरिका इन पांच नामों के अंदर अलग अलग देशों के अंदर इंटरफियर करके मिलिट्री एक्शंस लेता था, प्रेशर क्रिएट करता था, लड़ता था, झगड़ता था। असलियत में ये 5 टूल्स थे अमेरिका के, यानी या फिर यूँ कहें कि ये 5 एक्सक्यूजेस ऑफ अमेरिका थे जिनके नाम पर अमेरिका दुनिया के किसी भी देश के ऊपर दबाव डाल के अपनी मनमानी उसके देश के अंदर जाकर कर लेता था। जब ये 5 टूल्स एक्सक्यूजेस खत्म हो गए दोस्तों, तो अब छठा एक्सक्यूज अब अमेरिका बनाने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के नाम पर लगभग सभी देशों के साथ लड़ चुका है जिसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होनी थी हो गई, जिसमें नहीं हुई उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, और अब जो देश बचे हैं वो इसके फेवर में बचे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर अब कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर खुद पर उंगलियां उठने लग गई हैं कि भैया ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो कहीं ना कहीं खुद अमेरिका कर रहा है, तो वो अमेरिका इसके बारे में कैसे बोल सकता है। तीसरा बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स के नाम पर सद्दाम हुसैन के ऊपर जब हमला किया, ईरान के इराक के ऊपर हमला किया, तो अमेरिका की जो फजीहत हुई है वो आप जानते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा क्या खुद का वायरस भी नहीं मिला, बाकी तो दूर की बात है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर ईरान के अंदर जिस तरीके से इंटरफियर कर रखा है बहुत बुरे हालात हैं। और टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया को जला चुका है, और अब ऐसे कोई देश बचा नहीं है जिसमें टेररिज्म के नाम पर इंटरफियर करे अमेरिका और उसे कुछ फ़ायदा हो। लेकिन अब एक नया बहाना अमेरिका का यहाँ पर आ चुका है, और वो नया बहाना है दुनिया पर हमला करने का, और वो नया बहाना है इस्लामोफोबिया। कि भाई असलियत में अब किसी भी देश में इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी होगा तो अमेरिका सरपंच बनकर वहां पहुंचेगा और पंगे लेगा, वहां इस्लाम के फेवर में लड़ेगा। अब सवाल ये है कि यार इस्लाम के फेवर में लड़ेगा? हाँ, क्योंकि यहां पर इल्हन ओमर नाम की एक लेडी अमेरिकन सीनेटर है, ओमर नाम की लेडी, इसने दबाव डाल के कहो या कैसे भी, हालांकि अमेरिका की स्ट्रेटेजी ही है, उसने एक एस्टेब्लिश किया एंटी इस्लामोफोबिया ऑफिस। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट बन चुका है इस्लामोफोबिया ऑफिस, और इस इस्लामोफोबिया एंटी इस्लामोफोबिया ऑफिस के अंदर अमेरिका के अंदर जो इस्लामोफोबिक एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पर भी इस्लाम के अगेंस्ट उन्हें कुछ भी मिला या कुछ शोर शराबा हुआ तो वहां पर जाके उसको इंटरफियर करेंगे, उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और कहेंगे कि भैया देखो तुम लोग जो हो वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो, ऐसा मत करो वरना हमें सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, यानी उस देश पर सैंक्शंस लगाने का बहाना मिल जाएगा, और सैंक्शंस के बदले में अमेरिका फिर उससे बार्गेन करेगा, और जब अमेरिका उस देश से बार्गेन करेगा तो वो देश अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका का कहना मानेगा, अमेरिका उससे अपना काम निकलवाएगा। यानी सोच कर देखिए दुनिया के ऊपर अब इस पे इंडिया के साथ अमेरिका क्या कर सकता है, सोचिए। यानी इंडिया एक मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, प्रजातियां हैं और बहुत सारे धर्म हैं। इसमें फर्स्ट रिलीजन जो है वो तो मिक्सचर ऑफ मैनी रिलीजन्स यानी हिंदू हैं, यानी हर वो इंसान जो टॉलरेंट है और जो दुनिया की हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चल रहा है वो हिंदू है, और क्या वो हर किसी के विश्वास के ऊपर विश्वास करके चल रहा है वो हिंदू है।
जो हर किसी के विश्वास के ऊपर विश्वास करके चले वो हिंदू है। वहीं अगर आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा रिलीजन इस्लाम है। और इसके ऊपर मैंने के अभी एक पिछली वीडियो भी बनाई कि एलिमेंट ऑफ रेडिकलिज्म इसके अंदर, एलिमेंट ऑफ रेडिकलिज्म और इनटॉलरेंस इसके अंदर कुछ ज़्यादा है। रेडिकलिज्म एंड इनटॉलरेंस, रेडिकलिज्म ये कि भाई आप जो हैं वैसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे और जो लिखा हुआ है वही फॉलो होगा, वर्ड टू वर्ड फॉलो होगा, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी अदर थिंग। और इनटॉलरेंट ये कि वी कांट रिकग्नाइज योर रिलीजन ऑल्सो। भाई ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम की नज़र में हिंदू जो है वो काफिर ही रहेगा, मूर्ति पूजक जो है वो काफिर ही रहेगा, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा बंदा क्यों ना हुआ वो काफिर ही रहेगा। अब ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होंगे होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे कि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इस्लाम के रेडिकलिज्म के आउटकम के तौर पर, एक रिएक्शन के तौर पर हिंदुइज्म में भी एक तरीके का एग्रेशन क्रिएट हो रहा है। कश्मीर फाइल्स और उससे उपजा जो गुस्सा है, कश्मीर फाइल्स और उससे उपजा जो गुस्सा है वो इसी चीज़ का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इसी चीज़ का एग्जांपल है कश्मीर फाइल्स। ये है क्या, इसे समझिएगा। कश्मीर फाइल्स ये फाइल्स हैं, इसका मतलब ये कश्मीर फाइल्स का कि असलियत में हिंदूज के ऊपर ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, हिंदूज के ऊपर ऑन द नेम ऑफ इस्लाम जो एट्रोसिटीज हुई उसकी वजह से एक रिएक्शन आया, इस्लाम एक रिएक्शन आया, और वो जो रिएक्शन था ऑन द नेम ऑफ इस्लाम जो रिएक्शन था आ रहा है उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है हिंदू जो है वो एग्रेसिव हो रहा है। और अगर एग्रेसिव हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इस्लाम अपने आप में रेडिकलिस्ट, रेडिकल फोर्स है ही, इस्लाम अपने आप में एक रेडिकल रिलीजन है ही जो कहीं ना कहीं दूसरे किसी को भी मान नहीं रहा, ऊपर से ये भी एग्रेसिव हो गए तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ेगा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ेगा तो उस वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक इशू क्रिएट हो और ये अमेरिकन इंटरफेरेंस यहाँ से शुरू हो जाए। भाई अमेरिका कहेगा भाई ये तो अमेरिकन इंटरफेरेंस हो चुका है, क्यों, क्योंकि आपके देश में मुसलमानों की शिकायतें आ रही हैं, आपके देश में मुस्लिमों की शिकायतें आ रही हैं कि आप उन्हें ढंग से नहीं रख रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके और आपके छोटे भाई की लड़ाई हो रही है, आपके छोटे भाई के छोटा सा गुस्से में बात करने की वजह से आपका पड़ोसी आके आपका गेट खटखटा देता है एकदम से, अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, इतना छोटे भाई की आवाज़ आ रही है, तू उसे मार रहे क्या। आपका घर के बाद आपके घर आप कहेंगे यार मेरे घर की छोटी सी लड़ाई में पड़ोसी क्यों बोल रहा है, लेकिन असलियत में पड़ोसी आपको दबाना चाहता है। आप उस पड़ोसी को, आपके या मोहल्ले के उस गुंडे को आपके छोटे भाई के परेशान ना परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, उसे तो आपके घर में इंटरफियर करके आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का सबसे बड़ा मौका मिल जाएगा। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ये, यानी अमेरिका इज यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, इस्लाम यूजिंग इस्लाम एज एन इंस्ट्रूमेंट। अमेरिका जो है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है टू इंटरफियर इनटू द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज, टू क्रिएट प्रेशर ओवर अदर कंट्रीज। बदमाश है ना अमेरिका दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कौन, अमेरिका। अब वो इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करेगा इस्लाम को, और इस्लाम को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करके इंटरफियर करेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। एक तरफ तो एक कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर एक ओपिनियन डेवलप हो चुका है, ओपिनियन डेवलप हो चुका है कि अमेरिका इज एंटी इस्लाम, अमेरिका इज एंटी इस्लाम, कि अमेरिका जो है वो एंटी इस्लाम है। अब एंटी इस्लाम है, और इस मामले में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका जहां पर भी इस्लामिक कंट्री पे हमला करता है चाइना उसका अपोज करना शुरू कर देता है। तो
कहीं ना कहीं चाइना जो है वो प्रो इस्लाम की तरह दुनिया को दिखाई दे रहा है और अमेरिका एंटी इस्लाम की तरह दिखाई दे रहा है, और 56 इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए और उनका सपोर्ट लेने के लिए और चाइना के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को ये इस्लाम को दोबारा से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ओपिनियन डेवलप करना, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर डोमिनेंस बनाए रखना इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, और तीसरा इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिसी। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज, अब जैसे ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज होगा, अमेरिका को एक और एक्सक्यूज मिलेगा या रीजन मिल जाएगा सेंक्शंस लगाने का, ये मैं बता चुका। और यहीं से कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर देगा। यहां रही सही कसर 15 मार्च को, जब इस्लामोफोबिक डे डिक्लेयर किया अमेरिका ने या यूनाइटेड नेशंस ने, तो कहीं ना कहीं वो अब यूनाइटेड नेशंस को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा किसी भी देश के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए कि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस लगाए, और अगर यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस लगाएगा तो अमेरिका को भी बहाना मिलेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अमेरिका है ही। दुनिया की 90% प्रॉब्लम्स की जड़ अमेरिका से निकलती हैं और एक और जड़ निकलना शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका को गुंडागर्दी दिखाने का एक नया मौका मिल जाएगा इस एंटी इस्लामोफोबिक बिल के इस्तेमाल करके। अब आगे इसमें क्या होता है, भारत की राय क्या है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।